फली, सारी फसलों की चर्चा हो गई थी। ये एक खरीफ की फसल है, ये खरीफ की फसल है, इसको जो हम बुवाई करते हैं मूंगफली की, अक्टूबर से लेके नवंबर तक बो देते हैं। और मूंगफली को, सॉरी, इसकी जो बुवाई करते हैं जून से लेके जुलाई तक कर देते हैं मूंगफली की बुवाई। और इसकी खुदाई, मतलब निकाला जाता है जमीन के अंदर होती है मूंगफली बच्चों, इसीलिए इसकी खुदाई करते हैं नवंबर से लेके दिसंबर तक। इसको कैसी मिट्टी चाहिए? बालू जैसी। आप कभी मूंगफली की फसल देखिएगा कि बालू लगा होता है इसमें, बलुई मिट्टी। इसके लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त है, उपयुक्त है इस फसल के लिए, मूंगफली के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त है। आप यूपी में कहां कहां होती है ये देखिए। सबसे अच्छी मूंगफली हमारे पास होती है सीतापुर में, मूंगफली की फसल होती है, हरदोई में होती है, ध्यान देते रहिए, एटा में होती है, बदायूं में होती है मूंगफली की खेती, कहां होती है, बदायूं में होती है, मैनपुरी में मूंगफली होती है, मुरादाबाद में मूंगफली होती है, आदि जिलों में थोड़ी मात्रा में मूंगफली की खेती की जाती है। अब उत्तर प्रदेश की अगली जो महत्वपूर्ण खेती है, जो कि बहुत ही डिमांडेड है, इतनी महंगी खेती जल्दी कहीं नहीं होती, अफीम की खेती। इसे कहते हैं अफीम की खेती। यूपी में अफीम का सबसे बड़ा ये मारक पदार्थ है और दवा में भी यूज होता है। यूपी में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जो बच्चों है, ये बाराबंकी में सबसे ज्यादा, बाराबंकी जिले में उत्तर प्रदेश के सबसे लार्ज स्केल पर अफीम की खेती की जाती है, उगाया जाता है। यूपी में अफीम का सबसे बड़ा, यूपी में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त गाजीपुर में भी, वाराणसी की बहन कही जाती है जिला ये नजदीकी, गाजीपुर में भी अफीम की खेती की जाती है। इसकी अफीम नशे का पदार्थ है, दवा में भी यूज होता है, खेती की जाती है। फसलों उत्पादन था हमारा उत्तर प्रदेश का। और यूपी में एकमात्र, यूपी में गाजीपुर जिले में एकमात्र, मतलब पूरे यूपी में एकमात्र अफीम फैक्ट्री है गाजीपुर में। क्या है? यूपी में गाजीपुर में एकमात्र, यूपी में गाजीपुर में एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहां है? गाजीपुर में। इसको बोल्ड कर दे रहा हूं। अब उद्यान और कृषि की हम बात कर ले, हमारा फसल उत्पादन भी खत्म हो गया चैप्टर। उद्यान और कृषि कहां की? उत्तर प्रदेश की। उद्यान कृषि, हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉन्चेरिया। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्डवाइड का चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। जो भी विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज कमेंट जरूर करें। हमारा अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश जीके का उद्यान कृषि। 2005-06 की अगर बात करें, सन 2005-06 यूपी में संचालित, ईयर इन 2005-06 यूपी में संचालित राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन, कौन सा मिशन? राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन।
2014-15 से इसको इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत बागवानी विकास, बागवानी विकास मिशन के नाम से संचालित किया जाना, मिशन के नाम से संचालित किया जा रहा है। कहां पे? यूपी में। सन 2005-06 में यूपी में संचालित, यूपी से संचालित सन 2005-06 में उत्तर प्रदेश से संचालित राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन को 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नाम से, किस नाम से? एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस समय यूपी के 45 जिले, इस समय यूपी के 45 जिलों में फल, साग भाजी, फूल, मसाला और औषधि फसलों, औषधीय फसलों के क्षेत्र और उत्पादन में, के क्षेत्र और उत्पादन में विस्तार हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चलाए मूंगफली की फसल एक खरीफ फसल है जिसकी बुआई जून से जुलाई तक और इस फसल की खुदाई नवंबर से दिसंबर तक होती है। इसके लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, मुरादाबाद इत्यादि जिलों में थोड़ी मात्रा में मूंगफली खेती की जाती है। अफीम, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बाराबंकी जिला है। इसके अतिरिक्त गाजीपुर में भी अफीम की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है फसल उत्पादन के बाद उद्यान कृषि। सन 2005-06 में उत्तर प्रदेश से संचालित राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन को सन 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में फल, साग भाजी, पुष्प, मसाला और औषधि फसलों के क्षेत्र उत्पादन में विस्तार हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आम, अमरूद, आम, अमरूद, आंवला उत्पादन वृद्धि के लिए सहारनपुर और मेरठ, बागपत और प्रतापगढ़ और ध्यान दीजिए लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, कौशाम्बी, आदि 15 जिलों, आदि 15 जिलों के कुल, इन सभी 15 जिलों के कुल 39 विकास खंडों में
39 विकास खंडों में फल पट्टी, फल पट्टी विकास योजना। कौन सी विकास योजना? फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। कौशाम्बी और कहाँ कहाँ हो रहा है? देखिए, अमरूद का कौशाम्बी और बदायूं, कहाँ के ब्लॉकों में? कौशाम्बी और बदायूं के ब्लॉकों में, 6 ब्लॉकों में अमरूद। कौशाम्बी और बदायूं में क्या है? अमरूद। और प्रतापगढ़ में आंवला, इनके 2 ब्लॉक में क्या उत्पादन का? आंवला का। और इस प्रोजेक्ट के तहत 13 जिलों के 31 ब्लॉकों में, कितने जिलों के? 13 जिलों, अभी 2 जिलों के अलावा 13 जिलों के 31 ब्लॉकों में, 31 ब्लॉक्स में, ब्लॉकों में आम हेतु, किसके लिए? मैंगो। आम हेतु कौन सी योजना चलाई जाएगी? फल पट्टी विकास योजना, फल पट्टी विकास योजना संचालित। अमरूद, आंवला और 13 जिले में, इसके अलावा 31 ब्लॉक में आम हेतु फल पट्टी विकास योजना चलाई जाए। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए बच्चों, हम एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं, इसके बाद तुरंत हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश जीके, उत्तर प्रदेश संपूर्ण जानकारी का एक लेक्चर, इसमें कि हमारे पास 2 टॉपिक बचा था, फसल उत्पादन का, जो फसल थी मूंगफली, मूंगफली उत्तर प्रदेश की एक खरीफ की फसल है, जिसकी बुआई जून से लेकर जुलाई तक मूंगफली की बुआई और इसकी खुदाई मूंगफली की नवंबर से दिसंबर तक कर ली जाती है। मूंगफली के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, मुरादाबाद इत्यादि जिलों में थोड़ी मात्रा में मूंगफली होती है। अफीम है आखिरी फसल। उत्तर प्रदेश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है और इसके अतिरिक्त गाजीपुर में भी अफीम की खेती उत्तर प्रदेश में की जाती है। यूपी में गाजीपुर में एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। अब उद्यान कृषि की बात करें तो 2005-06 में यूपी से संचालित राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन को सन 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन के नाम से संचालित किया जा रहा है। और इस समय बात करें तो उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में फल, साग, भाजी, पुष्प, मसाला और औषधि फसलों के क्षेत्र उत्पादन में विस्तार के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि आम, अमरूद और आंवला उत्पादन के वृद्धि के लिए सहारनपुर में, मेरठ, बागपत, प्रतापगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, कौशाम्बी और इसी जैसे 15 जिलों के कुल 39 विकास खंडों में फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। इसमें कौशाम्बी और बदायूं में अमरूद के लिए, प्रतापगढ़ में आंवला के लिए और बाकी पर 13 जिलों के 31 ब्लॉकों में आम हेतु फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। आप लोगों को थोड़ा बच्चों बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन यूपी का जीके बहुत ही ब्रॉड है और यूपी जीके जो हमने संकल्प लिया है कि हम आपका क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, तो जितना हम कोशिश करेंगे जो पढ़ाएंगे उसमें से कितना भी क्लिष्ट पेपर आप बना लें, उस विषय का प्रश्न तो फंसना ही फंसना है कॉम्पिटेरिया के इस स्पेशल सिंथेसाइज लेक्चर से, क्योंकि हम इतना ब्रीफ यहां पर डील कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख और विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु परिस्थितियों को अगर देखें, उत्तर प्रदेश की प्रमुख और विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु परिस्थितियों का अगर आकलन हम करें, उत्तर प्रदेश की प्रमुख विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए क्या आंकड़ा लगाते हैं कि विभाग द्वारा बस्ती सहारनपुर
बस्ती में, सहारनपुर में, लखनऊ में, प्रयाग में, और झांसी में। किसके जिले में? लखनऊ में, प्रयाग में, झांसी में। औद्योगिक प्रयोग, एवं प्रशिक्षण केंद्र, स्थापित किए गए। आपने कहने का मतलब समझा? उत्तर प्रदेश की विभिन्न प्रमुख कृषि जलवायु व स्थितियों को देखते हुए विभाग द्वारा बस्ती में, सहारनपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में और झांसी में औद्योगिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। लखनऊ केंद्र आम की, लखनऊ केंद्र आम के लिए, प्रयाग केंद्र, प्रयागराज केंद्र अमरूद के लिए। ध्यान देते रहिए बच्चों, प्रयागराज केंद्र अमरूद के लिए और शेष कई फलों के, शेष और जिले दिखाए इसे वो कई फलों के। शेष जो दिख रहे हैं कई फलों के, ध्यान दीजिए आप, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं विशेष चीज पढ़ा रहा हूं, ये विशेष लेक्चर आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। इस तरीके से पढ़ाई करेंगे एक एक प्रश्न फंसेगा। यूपी के कृषि, औद्योगिक उत्पादों, इनके प्रसंस्करण, बढ़ाने के लिए, खेती ज्यादा हो, ये ज्यादा सुरक्षित हो फसलें, एक राज्य स्तरीय, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूपी की बात, एक राज्य स्तरीय राजकीय फल संरक्षण, कौन सा? राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान, डिब्बे में बंद किया जाता है फलों को, उनको सालों साल तक आप यूज करिए। डिब्बा बंद संस्थान, बंदी संस्थान लखनऊ, एक राज्य स्तरीय संस्थान, कौन सा? राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान, ये फलों के संरक्षण के लिए, फलों के प्रतिरक्षण के लिए और हमारे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, एक राज्य स्तरीय राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान लखनऊ और एक राज्य स्तरीय और 10 मंडल स्तरीय। राज्य स्तरीय का नाम क्या है? राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में और 10 मंडल स्तरीय शिक्षण संस्थान, है उत्तर प्रदेश में, जहां डिप्लोमा डिग्री दी जाती है, और प्रमुख औद्योगिक फसलों में पहली फसल है आम। कौन सी फसल है? आम। मध्यवर्ती, उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में, मुख्यतः लखनऊ,
मुख्यतः लखनऊ, सीतापुर उन्नाव, सीतापुर उन्नाव, बाराबंकी, बाराबंकी, अयोध्या, बरेली, अयोध्या, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, बुलंदशहर, कानपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद बहुत बड़ा स्टेट है यूपी, सहारनपुर, हरदोई, वाराणसी, हरदोई, वाराणसी आदि जिलों में आम की खेती। अभी से तो प्रश्न आ जाएगा।